મુહાવરા કયા કયા હતા? એમાં આપણે જોઈએ તો મેં તમને મુહાવરા તો આપણે કર્યા હતા, પણ એના પછી આપણે થોડુંક લખીને એક બીજું કંઈક કરવાનું છે. પહેલા સત્રમાં મેં તમને સંજ્ઞા, વિશેષણ અને ક્રિયાપદ લખાવ્યા હતા, ખબર છે, અને સમજાવ્યા હતા પણ. યાદ છે તમને? હા, હું એમ કહું છું, પહેલા સત્રમાં આપણે સંજ્ઞા, વિશેષણ અને ક્રિયાપદ સમજ્યા હતા. યાદ છે કે ભૂલી ગયા? યાદ છે? હા બોલ બેટા. મિસ, મેં આજે તાજી પાકે બુક બનાવી. મિસ, મારે આગળનું બાકી છે તો તમે શું? હું કઈ વાંધો નહીં, હું ફિફ્થ બીના ગ્રુપમાં જ પીડીએફ મોકલી દઈશ, મેં જે કઈ લખાયું છે એની. બરાબર, ફિફ્થ બીના, હા, એમાંથી જ આ ગ્રુપમાં જ મૂકી દઈશ પીડીએફ હિન્દીની, એટલે તમે જોઈને એમાંથી લખી લેજો, હોને? હા મિસ. ઓકે, હવે મેં તમને પ્રશ્ન પૂછ્યો કઈક, 63 નંબર. ચલો, સંજ્ઞા, વિશેષણ અને ક્રિયાપદ કિસે કહેતે હે, યહ મેને આપકો પ્રશ્ન પૂછા. કિસી કો પતા હે સંજ્ઞા કિસે કહેતે હે? સંજ્ઞા કોઈ વસ્તુ વિશે જાણવા માટે. આપકી આવાજ નહીં આ રહી હે બેટા. મિસ, અત્યારે તમે કરાવો. હા, પહેલે કી સત્ર. કોઈ વસ્તુ વિશે જાણવા માટે સંજ્ઞા. હા હા, અત્યારે તમે કરાવો એટલે કોઈ વિશ કિસી ભી વ્યક્તિ, વસ્તુ, ગાંવ, શહેર યા હમારે હૃદય મેં ઉઠને વાલે ભાવ જો હૈ, ઉસે કુછ નામ દિયા જાતા હૈ, બરાબર, ઉસે હમ સંજ્ઞા કહેતે હૈ. जैसे कि कोई व्यक्ति को पहचानने के लिए उसका नाम हो, किसी भी गांव में जाने के लिए उसका नाम हो, किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए उसका कोई नाम हो, और हृदय में यानी कि सुख, दुख, खुश, बराबर, ये जो सब है, आश्चर्य, ये सब हृदय में उठने वाले यह जो सारे भाव है, यह सब संज्ञा के अंतर्गत आता है. उसी प्रकार विशेषण, तो विशेषण जो है वह संज्ञा में जो जो शब्द प्रयोग होते हैं, बराबर, उसकी या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं, बराबर. और क्रियापद किसे कहते हैं? तो कि व्यक्ति जो कोई भी कार्य करता है उसे हम क्रियापद कहते हैं. खाना, उठना, बैठना, जाना, सोना, गाना, बराबर, ये सब क्रियापद के अंतर्गत है. किसकी स्पीकर बंद कर दो, किसका स्पीकर शुरू है बेटा? अब आपकी नोटबुक्स में हमने आखिर में सबसे पहले हमने देखो, जिसने नोटबुक, स्पीकर किसका शुरू है बेटा, बंद कर दीजिए. सबसे पहले हमने सही विधान, स्पीकर बंद कर दीजिए बेटा. सबसे पहले हमने विकल्प लिखे थे, उसके बाद हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति लिखी थी, उसके बाद हमने शब्द समूह के लिए एक शब्द या विधान पहचान कर सब्जी के नाम लिखिए, यह लिखा था. उसके बाद हमने सब्जियों का परिचय लिखा था, जिसमें हमने 5 सब्जियों का परिचय प्राप्त किया था, बराबर. उसके बाद हमने एक वाक्य के प्रश्न के उत्तर लिखे थे, जिसमें बहुत सारे प्रश्न हमने लिखे थे, और मैंने आपको बताया था कि ये सभी प्रश्न एक मार्क्स में आपको पूछे जा सकते हैं.
उसी प्रकार उसके बाद के प्रश्न में हमने मुहावरे लिखे थे, नोकझोंक करना, बात काटना और मुंह में पानी आना, यह तीन मुहावरे हमने लिखे थे। उसके बाद प्रश्न सात करके लिखिए, प्रश्न सात करके लिखिए। हाँ बोलो बेटा। पतला पेज छोड़ू? पेज छोड़ना नहीं है आपको, आप अभी रफ बुक में लिखिए और फेयर बुक में मैं पीडीएफ जो पेज दूंगी उसमें से लिख लेना। ओके लाइन में, ठीक है? अभी रफ बुक में लिखू ना? अभी रफ बुक में लिखो। मिस ये लिख रहे हो, वो भी मैं कर दोगे ना? हाँ हाँ बेटा। हाँ बोलो बेटा। मिस पीडीएफ कब भेजोगे? ये टास्क पूरा होने के बाद। ओके ये मुझे आखा वाकी है रिवीजन। हाँ हाँ मैं पहले से ही भेज दूंगी बेटा, ठीक है? अब जो ये आवाज किसी के मोबाइल से आ रही है टिक टिक करके, तो अपना स्पीकर बंद कर दीजिए बेटा, वरना मेरी आवाज नहीं सुनाई देगी। तो प्रश्न सात की सूचना लिखिए, निम्नलिखित वाक्य का गुजराती में अनुवाद कीजिए, तो यहाँ पर अनुवाद करने के लिए आपको कहा गया है, वह भी गुजराती में, यानी कि हिंदी वाक्य का हमें गुजराती वाक्य बनाकर लिखना है, बराबर? कभी कभी आप लोग ऐसा करते हैं, परीक्षा में पूछा जाए तो यह जो हिंदी लाइन है वैसे ही लिख देते हैं, या हिंदी शब्द है वैसे ही लिखते हैं, सिर्फ ऊपर लाइन नहीं करते, तो ऐसा नहीं करना है, आपको मार्क्स कट हो जाएंगे। हिंदी वाक्य का हमें गुजराती करना है, ठीक है? पहला वाक्य लिखिए, सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है। उसका गुजराती लिखिए, बद्धा शाक मारा वगर अधूरा छे। इसी प्रकार आपको वाक्य लिखना है तो ही आपको अंक मिलेंगे, ठीक है? अब दूसरा वाक्य लिखिए, पहला वाक्य लिख लिया सभी ने? हाँ। ओके, दूसरा विधान लिखिए, गाजर से हलवा बनता है। गुजराती में जवाब करके गुजराती में लिखिए, गाजर नो हलवो बने छे। दोनों वाक्य लिख लिए बेटा?
આમિષ. સભીને આમિષ. ઓકે. ઉસકે બાદ કા હૈ, ઉસકે બાદ કા તીસરા વાક્ય લખીએ. મસાલે મસાલે રસોઈ મેં સ્વાદ ઓર સ્વાદ ઓર સુગંધ સુગંધ પ્રદાન કરતે હે. મસાલે રસોઈ મેં સ્વાદ ઓર સુગંધ પ્રદાન કરતે હે. પ્રદાન કરના યાની કી દેના, બરાબર. ચલો જવાબ કરકે ગુજરાતી મેં વાક્ય લખીએ. જવાબ કરકે ગુજરાતી મેં વાક્ય લખીએ. મસાલે મસાલા રસોઈમાં રસોઈમાં સ્વાદ અને સ્વાદ અને સુગંધ આપે છે. સુગંધ આપે છે. બરાબર લખ લિયા. હા મેં લખ લિયા. ઓકે. ઉસકે બાદ ચોથા વિધાન લખીએ. ચોથા વિધાન લખીએ. કરેલા કરેલા સ્વાસ્થ્ય કે લીએ સ્વાસ્થ્ય કે લીએ બહુત બહુત લાભદાયી હૈ. બહુત લાભદાયી હૈ. લાભદાયી યાની કી ફાયદા કરને વાલા, બરાબર. જવાબ કરકે ગુજરાતી મેં લખીએ. જવાબ કરકે લખીએ ગુજરાતી મેં. કારેલા કારેલા સ્વાસ્થ્ય માટે સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ ખૂબ જ લાભદાયક છે. લાભદાયક છે. લખ લિયા સભીને. નહીં નહીં સભી બાકી. ઓકે લખ લો. ચલો. કારેલા સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ લાભદાયક છે. લખ લિયા. સભીને લખા ના. લખ લિયા બેટા. બોયસ લખ લિયા બેટા. હા મિસ લખ લિયા મેને 663 ને.
ओके, उसके बाद का विधान लिखिए। यह विधान पांचवा है, बराबर। बिरजू चाचा, बिरजू चाचा सो गए। बिरजू चाचा सो गए। गुजराती लिखिए उसका जवाब करके। बिरजू काका, बिरजू काका सुई गया। बिरजू काका सुई गया। મેશ તમે પીડીએફ મોકલજો બેટા। પીડીએફ જો હે ના મે એક બાર સ્પીકર કિસકા શરૂ હે બેટા, યહ એક બાર હી ભેજ દુંગી, બાકી તો આપકો લિખના હી હે। જો મે યહાં લિખવાતી હું, જબ મે પીડીએફ ભેજતી હું ના તો આપ લોગ લિખતે નહીં હો, ઓર ફિર જબ પેપર આપકા શરૂ હોને વાલા હે, પરીક્ષા શરૂ હોને વાલી હે, તબ આપ કહેતે હો કે મુજે પીડીએફ ભેજો, મુજે બાકી હે। તો યહાં જો મે લિખવા રહી હું, વ સભી કો આપકો લિખના હી હે, ઠીક હે। હા મિસ, મિસ હમ તો લિખતે હે। હા, તો હી આપ ઉસમે સે પઢ પાએંગે, તો હી પરીક્ષા મે લિખ પાએંગે। હેલો મિસ, પછી મિસ, હા, વરના આપકો અચ્છે માર્ક્સ ભી નહીં આ સકતે ના। હા ઓકે, ચલો યહ પૂરા સાતવા પ્રશ્ન આપ સભી ને લિખ લિયા ના। હા મિસ, ના મિસ, બાકી મિસ ખડા રહી ગયો, ખાલી 2 મિનિટ થોડા ઈ બાકી। લિખ લિયા બેટા? લિખ લિયા। ઓકે, ના મિસ, ઉસકે બાદ પ્રશ્ન બાકી હે બેટા। કોણ સા વાક્ય લિખ રહે હો આપ? ઓકે, ફટાફટ સે લિખ લો હા બેટા। બિરજુ ચાચા સો ગયે। ગુજરાતીમાં બિરજુ કાકા સુઈ ગયા। ઓકે, ચલો પ્રશ્ન 8 કરકે સૂચના લખીએ। પ્રશ્ન 8, સ્પીકર સભી લોગ બંધ રખે બેટા। પ્રશ્ન 8 લખીએ। નિમ્નલિખિત વાક્ય મેં સે, निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण विशेषण अलग करके लिखिए, अलग करके लिखिए। अब स्पीकर किसका शुरू है बेटा, बंद कर दीजिए। સ્પીકર કિસકા શરૂ હે?
प्रश्न आठ की सूचना लिखिए। यह मैंने कहा, निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण अलग करके लिखिए। सूचना लिख ली सभी ने? बॉयस तो चलो वाक्य लिखिए। नवीन ऊंचा लड़का है। नवीन ऊंचा लड़का है, तो यहाँ पर विशेषण शब्द कौन सा होगा? नंबर विशेषण कौन सा शब्द होगा? किसी को पता है? यहाँ पर लड़का नहीं आएगा बेटा, ऊंचा आएगा। नवीन लड़का तो है, मगर वह कैसा है? तो कि वह ऊंचा है। तो ऊंचा शब्द जो है वह नवीन नाम के लड़के की विशेषता बता रहा है, बराबर। तो यहाँ पर आप एरो करके वाक्य के सामने एरो करके जवाब लिख सकते हैं, ऊंचा। वाक्य के सामने ही लिखिए, बराबर दिखाई देता है ना? वाक्य के सामने ही एरो करके लिखिए ऊंचा। यह आपको एक मार्क्स में पूछा जा सकता है कि वाक्य में से विशेषण अलग करके लिखिए, बराबर। तो आपको इस प्रकार वाक्य दिया जाएगा, उसमें से जो विशेषण है वो आपको नीचे लिखने हैं, बराबर। पहले सत्र में भी हमने इसी प्रकार लिखे थे, परीक्षा में भी पूछे गए थे, आपको पता हो, याद हो तो। चलो दूसरा वाक्य है, दूसरा वाक्य लिखिए। यह मीठा चीकू, यह मीठा चीकू है। चलो इसमें से विशेषण कौन? वेरी गुड। यहाँ पर जो विशेषण है वह है मीठा, बराबर। तो वाक्य के सामने एरो करके आपको विशेषण अलग करके यानी कि सामने लिखना है मीठा, बराबर। लिख लिया सभी ने? लिख लिया सभी ने? ओके। हाँ, इसके बाद तीसरा विधान लिखिए। मीना, मीना लाल गाजर, लाल गाजर खा रही है। मीना मिस लाल, वेरी गुड। हाँ भाई, लाल गाजर खा रही है, जिसमें विशेषण जो है वह है लाल, वह है लाल। लिख लिया बेटा शब्द अलग करके? हेलो मिस। हाँ बोलो बेटा। हेलो मिस, बीजे का जवाब क्या है? दूसरे में आएगा मीठा, मीठा। पहले में आएगा ऊंचा, बराबर। मीठा ने लाल, तीनों विधान में ऊंचा, मीठा और लाल, यह विशेषण शब्द है।
जो हरेक की विशेषता बताता है। चलो लिख लिया बेटा। हाँ मिस। ओके हाँ। इसके बाद का विधान लिखिए। महेश ने बड़ा खिलौना वेरी गुड। हाँ भाई खरीदा। आप तो बहुत होशियार हो सभी लोग। कौन सा शब्द आएगा? बड़ा मिस बड़ा। वेरी गुड। तो यहाँ पर खिलौना तो है मगर वह कैसा है? तो के बड़ा। तो वाक्य लिखिए और उसके सामने जवाब लिखिए बड़ा। महेश ने बड़ा खिलौना खरीदा। उसके सामने जवाब लिखिए बड़ा। उसके सामने जवाब लिखिए बड़ा। लिख लिया सभी ने बेटा? आमिश। ओके। उसके बाद का विधान लिखिए। हमारी कक्षा में 30 लड़के हैं। मिस कक्षा आएगा कक्षा। कक्षा जो बोल रहे हैं ना वह गलत है। कक्षा नहीं आएगा बेटा। वेरी गुड। 30 आएगा। हाँ बेटा वेरी गुड। हाँ वेरी। हाँ सुना बेटा मैंने। पहले वाक्य लिख लीजिए। हमारी कक्षा में 30 लड़के हैं। तो यहाँ पर वाक्य में विशेषण आएगा 30। मिस लिखा मिस लिख ही लिया। सभी लोगों ने लिख लिया। आमिश। ओके। उसके बाद का विधान लिखिए। यह अच्छा चित्र किसने बनाया? इसमें कौन सा शब्द आएगा बेटा? किसने तो प्रश्नवाचक शब्द है। यह तो सर्वनाम है। चित्र तो जो हमने चीज है उसका नाम है कि चित्र बनाया। अच्छा। इसमें क्या आएगा? अच्छा आएगा। एकदम से जवाब आपको दे देना चाहिए क्योंकि चित्र तो बनाया है मगर कैसा बनाया है? अच्छा या बुरा? तो के अच्छा। तो यह चित्र की विशेषता है कि चित्र बहुत अच्छा है। बराबर। तो इस वाक्य में विशेषण होगा अच्छा। अच्छा लिख लिया सभी ने? आमिश। ओके। उसके बाद का विधान लिखिए। गिलास में आधा दूध भरा है। वेरी गुड। दूध तो भरा है मगर कितना है? तो के आधा गिलास है। पूरा गिलास नहीं, पौना भी नहीं, मगर
आधा ग्लास है। तो यहाँ विशेषण में आपको शब्द लिखना है आधा। यह सब कुछ याद रखना है। हाँ चलो लिख लिया। हाँ मिस, लिख लिया बेटा? हाँ मिस। ओके। उसके बाद का प्रश्न लिखिए, प्रश्न नौ। प्रश्न नौ, अब देखो इस वाक्य में से आपको क्रियापद अलग करके लिखनी है। क्या लिखनी है? क्रियापद, बराबर। जो आप वाक्य लिखेंगे उसके सामने ही आपको वाक्य पूरा होता है, उसके सामने जो जगह है वहां एरो करके आपको जवाब में क्रियापद का कौन सा शब्द है वह आपको लिखना है। सूचना लिखिए, निम्नलिखित वाक्य में से क्रियापद अलग करके लिखिए। सूचना लिख ली बेटा? लिख ली बेटा सूचना? ओके। अब देखो इस वाक्य में से आपको क्रियापद बताना है कि क्रियापद कौन सा शब्द है, बराबर। तो पहला विधान लिखिए, मोहन बैठता है। तो वह मोहन जो है वह कौन सी क्रिया कर रहा है? मोहन बैठता है, तो क्रियापद में कौन सा शब्द आएगा बेटा? बैठता। वेरी गुड। क्रियापद में शब्द आएगा बैठता है। बैठता है, यह आपको सामने यहाँ पर एरो करके लिखना है, बैठता है वाक्य के सामने ही, ताकि आपको याद रहे कि यह वाक्य में यह शब्द क्रियापद है। ओके लिख लिया बेटा? लिख लिया सभी ने? हाँ मिस, लिख लिया। उसके बाद दूसरा विधान लिखिए, राधा खेलती है। राधा खेलती है, इसमें कौन सा क्रियापद है? मिस खेलती। वेरी गुड, खेलती है। 52 ने जवाब दिया। वेरी गुड बेटा, 52। राधा खेलती है। देखो यह प्रश्न और विशेषण का प्रश्न है ना, वह आपको प्रश्न के उत्तर में भी पूछा जा सकता है और अलग करके भी पूछा जा सकता है। जैसे कि मोहन बैठता है वाक्य में से क्रियापद अलग करके लिखिए, यह प्रश्न के रूप में भी पूछा जा सकता है। और ऊपर सूचना लिखकर कि वाक्य में से क्रियापद अलग करके लिखिए तो आपको वाक्य दिए जाएंगे और नीचे आपको क्रियापद लिखना है, बराबर। दोनों रीत से पूछे जा सकते हैं। तीसरा विधान है, राकेश दूध पीता है। राकेश दूध पीता है। दूध। वेरी गुड, दूध
पीता है, पीता है वह क्रियापद है, पीता है। क्या पीता है यह नहीं कहना है, मगर क्रिया कौन सी कर रहा है तो के पीने की, यानी कि पीता है। बराबर। लिख लिया सभी ने? हाँ मिस। ओके ओके बेटा। चलो उसके बाद का वाक्य है, गीता खाना खाती है। गीता खाती है मिस, खाती है। वेरी गुड। हाँ, यह वाक्य लिख आते ही आप सब लोग जवाब देने लगते हो, यानी कि परीक्षा में तो आप बहुत अच्छा लिखेंगे, है ना? तो यहाँ पर विधान में क्रियापद होगा खाती है। वो इस तो बहुत होशियार हो गए हैं। हाँ मिस। वेरी गुड बेटा। हाँ लिख लिया। ओके बेटा, सभी ने लिख लिया। छोटे छोटे वाक्य है इसीलिए जल्दी से लिख लेते हो, है ना? चलो उसके बाद का विधान लिखिए, विवेक पढ़ता है। मिस पढ़ता। वेरी गुड। विवेक पढ़ता है में से पढ़ता है जो है वह क्रियापद है। विवेक क्या कर रहा है, कौन सा कार्य, तो कि पढ़ाई करने का कार्य कर रहा है। वेरी गुड। चलो लिख लिया? नहीं लिखा है आपने? लिख लिया बेटा? मिस लिख लिया। उसके बाद वाक्य है, मैं दोनों वाक्य यहाँ पर तीनों वाक्य एक साथ रख देती हूँ, बराबर। उसमें मनोज दौड़ता है, विवेक पढ़ता है, उसके बाद मनोज दौड़ता है, बराबर। तो उसमें कौन सा क्रियापद आएगा, कौन सा क्रियापद आएगा? वेरी गुड। दौड़ता है। उसके बाद का वाक्य है, मीरा लिखती है। मीरा, वेरी गुड। हाँ लिखती है। उसके बाद सारांश, सो रहा है। सो रहा है। वेरी गुड। सो रहा है। तो यहाँ पर हमने वाक्य में देखा कि ज्यादातर क्रिया जो है वह अंत में ही आती है। मैंने जैसे पहले आपको बताया कि क्रियापद जो है वह वाक्य के अंत में ही आते हैं। अगर संयुक्त वाक्य है तो क्रिया बीच में आएगी, मगर यहाँ सिंगल वाक्य में, यानी कि एक वाक्य है, तो क्रिया अंत में ही आएगी। तो यहाँ पर हमने क्रियापद, विशेषण और हिंदी वाक्य का गुजराती में अनुवाद, यानी कि प्रश्न 7, 8 और 9, बराबर, हेलो ये तीनों प्रश्न हमने लिखे। हाँ बोलो बेटा। मिस, छल्ले में क्या आएगा? सो। सो रहा है, यहाँ पर सो रहा है यह क्रियापद है बेटा, बराबर। तो आज हमने प्रश्न 3 किए, प्रश्न 7 में हमने अनुवाद किया, हिंदी वाक्य का गुजराती में अनुवाद, प्रश्न 8 में विशेषण और प्रश्न 9 में क्रियापद के वाक्य में से क्रियापद अलग करके लिखे। तो प्रश्न 7, 8 और 9 आपको रफ बुक में 2 बार लिखने हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा टास्क पूरा होता है।